नागपुर जिले के सामने तहसील के पाटन सावंगी के पास स्थित वाकड़ी ग्राम में स्थित है करीब 1200 शताब्दी का प्राचीन शिव मंदिर या यूं कहें छोटा महादेव। सामनेर तहसील के वाकोड़ी में स्थित करीब 16 एकड़ जमीन में फैले नैसर्गिक सुंदरता से ओतप्रोत इस प्राचीन शिव मंदिर की अनेक विशेषताओं के साथ अनेक किदवंतियां भी जुड़ी हैं। करीब 60 से अधिक स्तंभों पर विराजमान इन मंदिर की पहली विशेषता है, यह भगवान शिव के चरण पचमढ़ी से निकली कन्हान नदी के किनारे होने के साथ ही मंदिर में विराजमान काले रंग के पत्थरों से बना भव्य शिवलिंग और इस शिवलिंग की सबसे बड़ी विशेषता यानी शिवलिंग पर पाए जाने वाले लाल रंग के धब्बे, जिसके बारे में बोला जाता है कि करीब 200-300 वर्ष पूर्व हिमालय से पधारे संत दशरथ गिर महाराज इन महान शिव भक्त तपस्वी ने हिमालय से पैदल चलकर गांव वाकोड़ी पहुंचकर वहां के लोगों को बताया कि वे भगवान शिव जी के आदेशानुसार यहां 7 दिवस तपस्या करने पहुंचे हैं, बशर्त उन 7 दिनों तक उन्हें या उनकी तपस्या में कोई खलल ना हो। शुरुआत में तो गांव के लोग मान गए, लेकिन तीसरे चौथे दिन उनका धैर्य टूटता गया और गांववासी मंदिर पहुंचे और मंदिर के कपाट बंद कर तपस्या कर रहे तपस्वी के तपस्या में खलल डाल दरवाजा पीटने लगे, जिससे तपस्वी दशरथ गिर महाराज की तपस्या भंग हुई और जब तक ग्रामवासी दरवाजा तोड़ पाते तब तक तपस्वी ने पास ही रखे त्रिशूल से अपना सर काट कर अपने रक्त से शिवजी का रक्ताभिषेक कर गत प्राण हो गए। तब से शिवलिंग पर रक्त के लाल धब्बे स्पष्ट रूप से आज भी देखे जा सकते हैं। साथ ही इस पुरातन मंदिर परिसर की एक और विशेषता है जो हूबहू पचमढ़ी स्थित नागद्वारी और चौरागढ़ का छोटे स्वरूप का आभास कराती है। इस पुरातन शिव मंदिर के प्रांगण से थोड़ी ही दूरी पर छोटा चौरागढ़, त्रिशाला माता, हनुमान जी आदि करीब दर्जनों छोटे बड़े मंदिर मानो नागद्वारी और पचमढ़ी की यात्रा अनायास ही याद दिला देती है। नैसर्गिक छटाओं से भरपूर इस पुरातन मंदिर के जीर्णोद्वार का कार्य मंदिर व्यवस्थापन समिति द्वारा बड़े पैमाने पर किया जा रहा है और इस प्राचीन मंदिर को महाराष्ट्र राज्य के पुरातन मंदिर में शामिल कर इस प्राचीन धरोहर को सहेजने की गुहार पूर्व मंत्री, विधायक और अन्य नेताओं से की जा रही है ताकि इस मंदिर का इतिहास और महत्व आम जनता को मालूम हो। इसके प्रयास मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष देवीदास मदनकर, सचिव अतुल बांगरे, उपाध्यक्ष रघुनंदन पराते और सहयोगी कर रहे हैं। मंदिर के विश्वस्त बताते हैं कि इस मंदिर में एक अष्ट धातु का बड़ा घंटा था जिस पर सन 1294 अंकित था। यह उन्होंने क्या पूरे गांव ने देखा है, लेकिन करीब 12-15 वर्ष पहले मंदिर से यह घंटा चोरी हो गया और शिवलिंग पाए जाने वाले रक्तनुमा लाल धब्बे ऐसे पत्थर पाए जाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन होने की बात जानकार कहते हैं, जो प्रचलित तपस्वी द्वारा किए गए रक्ताभिषेक दंत कथा की पुष्टि करती है। इस पुरातन शिव मंदिर में महाशिवरात्रि, श्रावण मास, नवरात्रि में भव्य मेला लगता है। इस मंदिर में आकर शिव भक्त अपनी मनोकामनाएं पाते हैं। शीघ्र ही इस मंदिर का जीर्णोद्धार होकर फिर से शिव भक्त अपने भोलेनाथ शिव शंकर के दर्शन और पूजा अर्चना, अभिषेक आदि कर अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। यह पुरातन शिव मंदिर वाकोड़ी ग्राम में स्थित है जो नागपुर भोपाल महामार्ग पर 33 किलोमीटर दूरी पर तो तहसील मुख्यालय सावनेर से करीब 20 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। पता चला कि सौंदर्य होना इतना आनंद हुआ क्या पूछो मत, क्योंकि हमारे पिताजी का जो यहाँ पे श्रद्धा स्थान था और उन्होंने बताया भी थी, मुझे ये भी ख्याल है को उन्होंने हरदम बता दे कि तुम ये मंदिर को छोड़ना नहीं, ये मंदिर के भरोसे हमारा जो है उत्कर्ष हुआ है। इसमें 1294 के पूर्व का ये मंदिर है, यानी 1200-1300 साल पुराना मंदिर है, इसीलिए जब उस टाइम में राजकारण नहीं था और अभी जो राजकारण है ये मंदिर में राजकारण न लाते हुए, राजकारण के बाजू में रखते हुए जो कुछ भी ये ट्रस्ट को, यानी जो ट्रस्ट के अभी नवनियुक्त जो ट्रस्ट है अध्यक्ष देवदत्त जी मदनकर, सचिव अतुल जी बांगरे, इनको हमारे तरफ से और गांव वाले के तरफ से पूरा सहयोग मिलेगा। ये अति सुंदर बनना चाहिए, प्रेक्षणीय स्थल वगैरह इधर सब लोगों की, गांव के लोगों की पूरी व्यवस्था होनी चाहिए मंदिर में, बाहर नहीं जा सके कोई, यहीं पे सब संतांनी उघडलं नाही, लोकांनी ते दार तोडलं अक्षरशः, संतांना त्यावेळेस गुस्सा आला, त्यांनी तिथे एक त्रिशूल होतं, त्या त्रिशूलांनी आपले मान कापली आणि तिथे जे त्यांचं रक्त निघालं त्या रक्त त्यांनी त्या पिंड जे आहे शिवलिंग ज्याला आम्ही म्हणतो त्या शिवलिंगाला त्यांनी आपल्या रक्ताचा अभिषेक केला भोलेनाथाला आणि गतप्राण झाले।
सावनेर से NBCN न्यूज के लिए संवाददाता किशोर ढूंढेले की ग्राउंड रिपोर्ट।